नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। ये खास शो सलाम करता है उत्तर प्रदेश के उन लोगों और उनके बनाए संस्थानों को जिन्होंने प्रदेश भर में अपना एक खास मुकाम हासिल किया है। उनकी कामयाबी की दास्तान दिखाना और उससे दूसरों को भी प्रेरित करना इस खास कार्यक्रम का लक्ष्य है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जेपी यानी जयप्रकाश अग्रवाल, जिन्होंने आज से आधी सदी पहले सन 1967 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से अपने रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत की। कभी मेरठ की पहली रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने वाले इस दूरदृष्टा ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी और अब इनका बनाया ये संस्थान आज प्रदेश भर में एक खास मुकाम बना चुका है। आइए आपको दिखाते हैं इस जेपी ग्रुप के संस्थान और इसे बनाने वाले परिवार की कहानी। धर्म, इतिहास और क्रांति का नाम एक साथ लेने पर उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ बनता है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति और महाभारत युद्ध की कहानियां आज भी मेरठ की शिराओं में उबल रही हैं। इसी मेरठ में एक नाम है जो अपने कामों से शहर को चार चांद लगा रहा है। 125 एकड़ में फैला ये जेपी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो सालाना हजारों बच्चों के सपनों को पूरा करता है। जेपी रेजिडेंसी जिसमें सपनों के आशियाने बनकर तैयार हो रहे हैं, ये सब मेरठ के जेपी ग्रुप की पहचान है। इस ग्रुप की शुरुआत स्वर्गीय श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने की थी। किराए के मकान से शुरू हुआ उनका ये सफर आज बुलंदियों को छू रहा है। 1967 में हमारे दादाजी ने पहली यहाँ पे मेरठ में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई। उन्होंने सोचा कि अलग अलग लोग ऐसे बिखरे हुए रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो सबको एक पक्का मकान दिया जाए। एक महीने में उन्होंने सारे क्या कहते हैं प्लॉट निकाल दिए। एक साल के अंदर उसमें सारी बसावट हो गई। मेरठ में रेजिडेंशियल कॉलोनी के बाद सरस्वती विहार और मगधपुरम नाम से कुछ और कॉलोनियां मेरठ में बनाई, जिनमें आज हजारों परिवार रह रहे हैं। दशकों रियल स्टेट में काम करने के बाद जेपी ग्रुप के संस्थापक जय प्रकाश अग्रवाल जी के बेटे डॉक्टर हरि ओम अग्रवाल जी ने एजुकेशन सेक्टर में कदम रखा। इसकी शुरुआत हरि ओम अग्रवाल जी ने स्कूल खोलने से किया जिसका नाम था जेपी एकेडमी। 94 में उन्होंने यहाँ पे पहली स्कूल बनाया जेपी एकेडमी के नाम से। उस स्कूल की पहला बैच 95 में पास आउट हुआ। सन 2000 में हमने बीएड कॉलेज खोला। 2001 में मेरठ का सबसे पहला होटल मैनेजमेंट कॉलेज खोला जो मेरठ में नहीं था। फिर 2006 में हमने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खोला। उसके साथ साथ बहुत सारे कोर्स फिर आ गए। 2008 में एमबीए आया, बीबीए बीसीए आया, बीएड एमएड आया, पॉलिटेक्निक आया, एनिमेशन आया। अपने दादा के चहेते विशाल अग्रवाल आज जेपी ग्रुप की कमान संभाल रहे हैं। विशाल अग्रवाल की पढ़ाई दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई है। हर साल हजारों बच्चे जेपी ग्रुप के अलग अलग संस्थानों में दाखिला लेते हैं जहां विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां से पढ़े हुए बच्चे विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। एक जगह है यूके में ब्राइटन के नाम से, तो हम ब्राइटन तक चले गए। लंदन से आधे घंटे की ट्रेन थी, ब्राइटन में गए। हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए कि अच्छा कुछ खाना इंडियन, बहुत दिन हो गए। तो सडनली वो शायद लड़का जो शेफ था 2-3 साल पहले ही पास आउट हुआ हो, उसने पहचान लिया। उसने बोला सर मैं आपके होटल मैनेजमेंट कोर्स का स्टूडेंट हूँ, एक पराए मुल्क में हूँ और वहाँ मेरे को मेरा स्टूडेंट मिल गया और वो स्टूडेंट मुझसे कहता है सर क्या खाओगे, मैं आपके लिए वही बना के लाऊंगा। तो इससे गौरव का कोई बात नहीं होती। न सिर्फ पढ़ाई बल्कि बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट देने में भी जेपी ग्रुप का यूपी में बड़ा नाम है। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में बच्चों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे हमने कल्चरल प्रोग्राम्स कराए। एक हमारा एनुअल फेस्ट होता है इंसेप्ट्रा के नाम से हर साल, तो उस फेस्ट में हर साल हम एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाते हैं जो आके परफॉर्म करता है बच्चों का मनोरंजन के लिए। लास्ट टाइम 2019 में बिफोर लॉकडाउन मीत ब्रदर्स आए थे, के सलीम सुलेमान जैसी बड़ी बड़ी फिगर्स यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में नाम बनाने के बाद विशाल अग्रवाल एक बार फिर से अपने दादाजी के सपनों को नया जीवन दे रहे हैं। जिस रियल स्टेट के काम से जेपी ग्रुप की शुरुआत हुई थी उसे नई सोच के साथ बुलंदियों तक ले जाने का काम कर रहे हैं विशाल अग्रवाल।
फिर मैं, मेरे बड़े भैया हैं अनुराग अग्रवाल जी, हम दोनों ने साथ में एक विचार करा कि क्यों ना हमारे बाबूजी का, दादाजी का जो पुराना रियल स्टेट का काम था, उनकी बिल्डर फर्म बनी हुई थी, उससे एक शुरुआत करें रियल स्टेट का। फिर हमने 2018 में अपना रियल स्टेट दोबारा से बिजनेस शुरू किया। JP रेसिडेंसी के नाम से पहली हमारी 20 से 25 वर्ष बाद कॉलोनी मेरठ में आई, जो MDA अप्रूव थी, RERA अप्रूव थी, मवाना रोड जैसी जगह पे मेन रोड पर कॉलोनी थी। JP रेजिडेंसी जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगी, चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, हरियाली और CCTV कैमरे से लैस होगी JP रेजिडेंसी। JP रेजिडेंसी में फ्लैट, डुप्लेक्स, विला, G+2, G+3 प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं। पूरा मेरठ स्वर्गीय श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी के नाम पर भरोसा करता है। इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए विशाल अग्रवाल काम कर रहे हैं। विशाल अग्रवाल ने बहुत कम समय में अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। इनकी नई अप्रोच, लगन को देखते हुए ABP गंगा ने इन्हें उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। बड़े इरादों के साथ बड़े मुकाम हासिल करने की कहानियों में अब हम आपको दिखाते हैं कहानी पामा ग्रुप की। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रगति का जिक्र जब भी होगा, वाराणसी के पामा ग्रुप का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। एक वक्त था जब वाराणसी के साबुन बनाने वाली कंपनी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली साबुन कंपनी थी, लेकिन फिर वक्त बदला, नई चुनौतियां आई और पामा ग्रुप का सूरज अस्त सा होने लगा। पर वो कहते हैं ना कि धारा के विपरीत तैरने वाला ही असली तैराक होता है, तो इस कंपनी को चलाने वाले तलवार परिवार की तीसरी पीढ़ी के सचिन तलवार ने एक बार फिर अपनी कंपनी को बना दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिजनेस जगत का एक बड़ा और कामयाब नाम। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, शिव की नगरी, धर्म और आस्था का केंद्र, कल कल बहता गंगा का पानी और पानी की रवानी में करोड़ों सपनों की कहानी, कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए, कहानी ऐसी भी जो संघर्ष से सफलता तक पहुंचने का रास्ता बताए। एक ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं जो संघर्ष के पन्ने से शुरू हुई और आज सफलता की किताब बन चुकी है। ये कहानी है पामा ग्रुप की। ये हैं सचिन तलवार, पामा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। पामा ग्रुप की नींव यूं तो इनके पिता ने 1959 में रखी, लेकिन असल में इस ग्रुप का इतिहास विभाजन से शुरू होता है। वी बिलोंग टू मुल्तान इन पाकिस्तान। मेरे पिताजी अपनी माताजी और भाइयों के साथ आए थे हरिद्वार में दर्शन करने ऑन 14th of August 1947, मगर फिर बलवा हो गया पार्टीशन का, तो ही वॉज नॉट एबल टू गो बैक। वो लोग फिर यहीं पे रेफ्यूजी कैंप्स में रहे और इसी तरह से उन्होंने अपनी लिविंग की। इसके बाद तलवार परिवार वाराणसी आ गया। कुछ समय बाद सचिन के दादाजी स्वर्गीय कन्हैया लाल तलवार भी पाकिस्तान से भारत आ गए। उनकी पोस्टिंग काशी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के तौर पर हुई। इन सब के बीच 1959 में पामा ग्रुप की नींव रखी गई। तब पामा ग्रुप की शुरुआत सोप मैन्युफैक्चरर के तौर पर हुई। मेरे पिताजी वाज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन ऑफ अवर फैमिली। उन्होंने नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी देने में अपना वो समझा ज़रूरत, समय की मांग भी यही थी उस समय, और उन्होंने सोप इंडस्ट्री से शुरुआत की। बुआ से कर्जा लेके उन्होंने अपना साबुन का काम शुरू किया और ग्रेजुअली अपनी मेहनत से उन्होंने वो मुकाम पाया। फॉर द नेक्स्ट 20 years ही वॉज द एम्परर ऑफ द सोप इंडस्ट्री इन UP। साल 2000 में सचिन तलवार ने पामा ग्रुप की बागडोर संभाली, पर साबुन का काम बंद हो चुका था। लेकिन मंदी और संकट में धैर्य के साथ और मजबूत बन गए सचिन, और इस मुश्किल दौर में इनके पिता स्वर्गीय इंद्र कुमार तलवार के दिए मंत्र, कठोर श्रम, पक्का इरादा, दूरदृष्टि ने इनको प्रेरणा दी। फिर मैंने डाइवर्सिफाई किया लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। सबसे पहले हमारे वेयर हाउसेस हमने बनाए हुए थे सोप का स्टोरिंग करने के लिए, उसको मैंने और बढ़ाया, उसमें चेंजेस किए, लीज आउट किया, फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, CNF के काम में आए,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आए, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके पोर्टफोलियो बड़ा करते गए हम। सचिन की मेहनत का ही नतीजा है कि आज पामा ग्रुप को सिर्फ साबुन के लिए ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अग्रणी माना जाता है। पामा ग्रुप के तहत चल रहे हंस होंडा और कबीर किया कार के शोरूम पूर्वांचल में खूब नाम और शोहरत बटोर रहे हैं। अब हम इसके अलावा और आगे बढ़ चुके हैं, हम रियल एस्टेट में भी आ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। हमारा जो सिनेप्लेक्स था साजन थिएटर, अब हम उसे मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट करने का हम लोगों ने शुरू कर दिया है सारा प्रक्रिया। उसके अलावा स्टैंड अलोन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हम बना रहे हैं बनारस में कई जगह। सफलता की इस किताब में संघर्ष के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, उदारीकरण से विदेशी कंपनियों की घरेलू बाजार में एंट्री हुई तो पामा साबुन जैसे घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। फिर भी सचिन ने जब कमान संभाली तो घबराए नहीं। जब मैं आया था तो उससे पहले ही सोप का काम वाइंड अप हो चुका था, 10 साल हो चुका था लगभग। तो मेरे सामने ये यक्ष प्रश्न था कि अपने जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्री बंद है, जो हमारे वेयर हाउसेस थे वो खाली पड़े हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो वो लेटिंग आउट शुरू हुई। एज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मैंने कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का भी काम शुरू कर दिया। मैं C&F बन गया, C8 टायर्स का, LG का, एस बैटरी का, या साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, कैस्ट्रॉल, टाइटन, सोनाटा, एमरॉन बैटरी, ऐसे करके कई सारे ब्रांड्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में शुरू कर दिया। फिर फाइनली आई डेस्टाइंड माई सेल्फ इन टू डीलरशिप बिजनेस। तो ये सारे बिजनेस तो चल रहे हैं मगर आज हमारा फेस एज अ डीलर ऑफ होंडा कार्स एंड किया कार्स की तरह जाना जाता है। सचिन जब इरादा कर लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जी जान लगा देते हैं। सचिन का खुद पर यह भरोसा सिर्फ उनकी वजह से नहीं बल्कि टीम की ताकत को भी ये समझते हैं। सचिन का मानना है कि अगर अपने काम और कंपनी से प्यार करने वाली अनुभवशाली टीम साथ हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, कार्यरत हैं। एज अ परिवार हम लोग रहते हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे हर त्यौहार मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी, गणपति, होली वगैरह, सब तरह के जितने आप त्यौहार सोचते हैं सब यहाँ मनाए जाते हैं। जिस शिद्दत से सचिन काम कर रहे हैं, जिस हौसले से चुनौतियों से निपट रहे हैं, वो हर बीतते दिन के साथ इन्हें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है। सचिन तलवार ने बदलते वक्त के साथ अपने बिजनेस के तौर तरीके बदले और बदल दिया अपने और अपने पामा ग्रुप का। प्रदेश के रिहुएलखंड इलाके के बड़े शहर बरेली, जहां मौजूद इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी इस पूरे इलाके में उच्च शिक्षा का एक बड़ा और अहम केंद्र बनकर उभरी है। इसके बनने की कहानी आपको बताएं तो इस संस्थान की नींव 90 के दशक में डॉक्टर उमेश गौतम नाम के एक नौजवान ने रखी। तब एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई जो आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बदल चुका है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में एजुकेशन सेक्टर की इमर्जिंग सक्सेस स्टोरीज में से एक है। आज तरक्की की नई इबारत अपने नाम लिखता उत्तर प्रदेश, लेकिन परसों पहले का उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं था और ना ही आज जैसा चमकदार था उसका ये बरेली शहर, जिसमें तकरीबन 2 दशक पहले एक साधारण से इंसान ने लिखी तरक्की की एक असाधारण कहानी, जिसे आज बरेली शहर के लोग इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1996 में अपनी स्थापना के बाद बरेली शहर के इस बड़े शिक्षा संस्थान ने इस पूरे इलाके में उच्च शिक्षा की सूरत ही बदल दी है और इसका श्रेय जाता है इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक, एशिया के सबसे युवा चांसलर्स में से एक और इस बरेली शहर के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को, जिन्होंने उच्च शिक्षा पाने के सामने आने वाली परेशानियों को समझा और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का फैसला किया जो बदलते वक्त के साथ कदम मिलाते हुए शहर की भावी पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सके। 96 में जब गवर्नमेंट की स्कीम आई कि प्राइवेट एजुकेशन के लिए कॉलेजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी समय ये ख्याल आया कि बरेली में कॉलेज की स्थापना की जाए, तो 98 में इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
और 2010 में उसको इनवर्टिस यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। आज ये संस्थान हजारों युवाओं को एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लीगल स्टडीज, आर्किटेक्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर जैसी अनेक विधाओं में उच्च शिक्षा के मौके दे रहा है। अब बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, एमबीए, एमसीए जैसे डिमांडिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने छात्र दूर दूर से इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में आते हैं। बेहद कम वक्त में इतनी कामयाबी दर्ज करने के पीछे वजह है शिक्षा और उसकी गुणवत्ता से समझौता ना करने का संस्थान का पहला और आखिरी नियम। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टीचिंग की क्वालिटी हो, उसमें कभी कंप्रोमाइज न करना। और डिसिप्लिन में लोगों ने बहुत सारी बातें की कि शायद इंस्टीट्यूट को जेल बना दिया है, यहाँ से बाहर नहीं निकलते, अंदर नहीं निकलते, लेकिन शायद वही एक कारण था कि आज भी जो मेरे स्टूडेंट पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं वो यही कहते हैं कि शायद उसी डिसिप्लिन और उसी टीचिंग की वजह से आज वो यहाँ पर हैं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाई के साथ उनके सर्वांगीण विकास के मौके देना और पढ़ाई के बाद उनके करियर को आगे बढ़ाने में स्टूडेंट्स की मदद करना इनवर्टिस यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी समझता है। यहाँ के स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर की मदद से बाहरी दुनिया की समझ बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स के अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर्स वाले सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सेदारी के अनेक मौके मिलते हैं, जिससे उनकी स्किल्स और बेहतर होती है। नई कोशिशों, नए इरादों के साथ उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए मुकाम बनाती इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम की पूरे शिक्षा जगत में चर्चा है। हमारी यूनिवर्सिटी के टाइप्स जो हैं वो US में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, जहाँ स्टूडेंट्स 6 महीने तक फ्री में पूरी पढ़ाई करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स IAS में भी हैं, PCS भी हैं, आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं और सील कमांडो भी हैं। अब तो हर तरफ इनवर्टिस के स्टूडेंट हैं। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया मुकाम बनाया है। पिछले एक दशक में एजुकेशन एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिले कई बड़े पुरस्कार इसके सबूत हैं। इनमें ABP न्यूज से मिले UP ब्रांड लीडरशिप अवार्ड सहित कई और बड़े संस्थानों से मिले एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड, भारत शिक्षा रत्न अवार्ड, बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, बेस्ट प्राइवेट मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया जैसे अवार्ड शामिल है। इनवर्टिस यूनिवर्सिटी आज उत्तर भारत के शिक्षा क्षेत्र में सफलता की उभरती हुई कहानियों में से एक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ABP का कि वो हमको ऐसे अवार्ड देकर प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने की। 100 से कम स्टूडेंट्स के साथ एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से शुरुआत करते उत्तर भारत की इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज में इनवर्टिस को शामिल कराने के बाद अब डॉक्टर उमेश गौतम का अगला लक्ष्य बरेली शहर में तरक्की के इसी मॉडल को लागू करना है। एक दशक की यात्रा में अकादमिक से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक में एक नई पहचान हासिल करने वाले उमेश गौतम जैसे लोगों से प्रदेश को नहीं देश को भी काफी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में कामयाबी की मिसाल बनने वाली ऐसी कई और कहानियों को लेकर हम फिर होंगे हाजिर अगले हफ्ते इसी वक्त पर। तब तक आप देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।